मदर सुवाद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को इतिहास के अंतर्गत पार्ट 5 मुगल साम्राज्य के विषय में अध्ययन करा रहे थे, आज हम उसी के आगे इसके दीर्घ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को हमने अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी के प्रश्न करा दिए हैं। आज हम दीर्घोत्तरी का पहला प्रश्न अकबर के काल की कला और शिल्पकला पर एक संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में बताएंगे, जिसे सभी बच्चे सुनेंगे। अकबर हुमायूं के मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वो जब शासक बना उसकी आयु मात्र 13 वर्ष थी और उसके शासन की सुचारू रूप चलाने के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बैरम खां ने उनके सहयोग से कारभार चलाने का प्रयास किया और जब अकबर स्वयं शासक चलाने के योग्य हो गया तो उसने समस्त राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली और उन्होंने शासन व्यवस्था के साथ साथ कला और स्थापत्य कला के बारे में भी रुचि दिखाई। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं कुछ अकबर के उपलब्धियां, जैसे अकबर के दरबार में 9 महान व्यक्ति थे जिन्हें अकबर नवरत्न के नाम से जानते हैं। अकबर ने अपने कुशल प्रशासन प्रारंभ में बाबर द्वारा स्थापित राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में प्रतिस्थापित किया। अकबर महान विजेता होने के साथ साथ श्रेष्ठ शासक प्रबंधक भी था। उसने शासन प्रबंध के लिए शेरशाह सूरी के सूत्रों को ही अपनाया। अकबर एक धर्म संहिता शासक था। उसने सभी धर्मों में अच्छी बातें सीखकर दीन इलाही धर्मों की स्थापना की थी। अकबर ने उत्तर में कश्मीर, सिंध, बंगाल और उड़ीसा को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने चांद बीबी को हराकर दक्षिण में अहमदनगर पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया। अकबर भवन निर्माण में अत्यधिक रुचि रखता था। उसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इलाहाबाद में किले, फतेहपुर सीकरी, सुंदर महल, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, अकबर शासन काल में चित्रकला और संगीत कला का भी अत्यधिक विकास हुआ। तानसेन इसके दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा उसने चित्रकला के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये इसके शासन व्यवस्था के साथ साथ इसके कला और स्थापत्य कला के बारे में भी चर्चा किया। अगला प्रश्न है इसी का, शाहजहां के काल की कला और शिल्पकला का वर्णन कीजिए। शाहजहां जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां
सिंहासन पर बैठा। वह एक बुद्धिमान वीर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने निर्दयता पूर्वक अपने भाइयों को ही मरवाड़ दिया और नूरजहां के भाई की पुत्री अर्जुनमंद बानु से विवाह कर लिया। बाद में वो अत्यधिक अपनी पत्नी से प्रेम करता था, जिससे उसने उसका नाम मुमताज महल रखा और उन्होंने भी अपने जीवन काल में शिल्प कला और स्थापत्य कला का निर्माण किया, जिसमें हैं शाहजहां को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है। शाहजहां को इंजीनियर सम्राट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने निर्माण का कार्य बहुत कराए, सुंदर से महल बनवाए और वो भवन निर्माण में रुचि लेता था और वो भवन निर्माण कराने में शौक रखते थे। उसने आगरा में मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अकबर का सबसे जो प्रसिद्ध निर्माण कार्य है, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया, जिसे आज भी लोग विदेशों से उस ताजमहल का दीदार करने आते हैं। इस समय हमारे देश की वो एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मौजूद है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में है। ठीक है, ताजमहल का जो निर्माण शाहजहां ने कराया था वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में स्थित है, जिसे आज भी उसकी सुंदरता को देखा जा सकता है। शाहजहां ने आगरा में लाल किला और मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया। आगरा में ताजमहल जाने से पहले लाल किला भी पड़ता है, इसको रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं, इसका भी निर्माण शाहजहां ने कराया था। दोनों ही बहुत ही सुंदर इमारतें हैं। इसके साथ साथ दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन शाहजहां के निर्माण कौशल के प्रतीक रूप में आज भी विद्यमान हैं। नादिर शाह मयूर सिंहासन को 1739 ईस्वी में अपने साथ ले गया। शाहजहां के शासनकाल में भारत ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की, अतः इतिहास में शाहजहां का शासनकाल स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। यही एक कारण रहा कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आज आपका कार्य रहा और आगे का कल कराया जाएगा। सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे कि जो पहले आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में जो सिलेबस है उसे तैयार करना है और इसके साथ साथ आप लोगों को ये जो लेसन लिखवाए जा रहे हैं इन्हें भी अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।